आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अमेजन का ऑर्डर हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमेजन का ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अमेजन को ओपन करना है। अमेजन ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको इस थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक आपको योर ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर योर ऑर्डर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे योर ऑर्डर्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप जितने भी सामान खरीदे होंगे या कैंसिल किए होंगे वह सारा आपका दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पर जो बगल में एक आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सामान को हम ऑर्डर किए थे, यहाँ पर मेरा सामान आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सिंपल आपको यहाँ से फिर से बैक जाना है और बैक जाने के बाद फिर से आपको योर ऑर्डर पर क्लिक करना है। योर ऑर्डर पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप कौन से सामान ऑर्डर किए थे। यहाँ पर अगर आप कैंसिल सामान दिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप 6 महीना का पीछे का दिखना चाहते हैं, आप जिस भी साल का यहाँ पर अपना ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहते हैं उस साल पर क्लिक करके आप अपना ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट के लिए क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करने के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर अमेजन में कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करने के लिए तो यहाँ पर हम आपको नया वीडियो बना के आपको कन्फर्म कराएंगे कि यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन आ गया है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है जिसकी मदद से आप अपना फ्लिपकार्ट का ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।